हेलो गाइज, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, 23 अगस्त से 28 अगस्त तक के बीच में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा क्लास 9 से 12th की 12th तक के विद्यार्थियों की बेसलाइन टेस्ट होना है। उसी के क्रम में यह मैथमेटिक्स क्लास 11th का पेपर का सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, नोट दिए गए हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न का एक अंक निर्धारित है और इस प्रश्न पत्र के दो भाग हैं। भाग एक समस्त प्रश्न बेसिक स्तर अर्थात n-2 मतलब n का मतलब जो कक्षा आपकी वर्तमान में है उससे दो कक्षा कम। तो आपकी फिलहाल ये 11वीं कक्षा का पेपर है तो 11 में से दो कम कर दिया, यानी 9th क्लास की लेवल का रहेगा। और उसके बाद लिखा है भाग दो समस्त प्रश्न पूर्व कक्षा अर्थात वर्तमान कक्षा कौन सी आपकी 11वीं है, तो 11वीं से एक कम कितना हो जाएगा 10वीं कक्षा के हैं। और पार्ट ए और पार्ट बी में पृथक पृथक 8 अंक लाने वाले विद्यार्थी ही उस भाग में उत्तीर्ण माने जाएंगे। अब चलते हैं, ये टेस्ट लिया क्यों जा रहा है। ये टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है कि इसमें पिछली दो कक्षाओं के बारे में ये टेस्ट है। कहीं ऐसा ना हो कि कोविड के कारण आपके पिछली दो कक्षाओं के वो टॉपिक जो आपके लिए आपकी वर्तमान कक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो छूटने ना जाए, इसलिए ये टेस्ट लिया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर इसमें आपको एक चीज़ और भी दी गई है कि आपको प्रतिदिन आप वो इनमें से कौन से आपके पास साधन उपलब्ध है पढ़ने के लिए। तो यदि आपके पास व्हाट्सअप है तो आप इसमें राइट निशान लगाएं, टीवी है तो इसमें राइट लगाएं, और ये दोनों नहीं है तो इसमें राइट लगाएं। चलिए, पार्ट ए क्या है। ये पार्ट ए है 9th से रिलेटेड, 9th क्लास के मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। संख्या एक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम सीधे यहाँ आपको बताते हैं, एक न तो भाज्य है अभाज्य और न ही भाज्य। दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप कौन सी दो भुजाओं के बीच में होगी। तो इन दोनों का योग कितना होता है 12 और 15 27 से कम रहेगी और दोनों के अंतर से अधिक रहेगी, तो दोनों का अंतर 3। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, डी। तो यहाँ पर डी आंसर रहेगा। उसके बाद में मीना ने 9% वार्षिक दर से एक वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के लिए उसे कितना धन उधार लिया। तो इसमें मूलधन वाला सूत्र लगाना है, मूलधन बराबर ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय, ये आप लगा सकते हैं। तो इससे आपको हल करना है और आपको आंसर आएगा 500। या तो आप इसको सीधे भी लगा सकते हैं कि 100 रुपये पे 9 रुपये मिल रहे हैं तो 45 रुपये मिलने के लिए कितने होंगे, 500 रुपये होंगे, 9×45 सीधा आंसर से आप चेक कर सकते हैं। अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 675 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो देखिए, 675 को हम लिख सकते हैं, 675 को हम लिखेंगे 5×135 और 135 को फिर हम लिख सकते हैं 5×3×3×3। तो देखिए, 3 3 का एक पैर बन जाएगा, घन के लिए 3 3 का एक पैर बन जाएगा और 5 का एक पैर बनने के लिए 1 5 की कमी है, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन में है हमारे पास निम्नलिखित आकृति में बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है, इस बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, इस बगीचे में यहाँ से यहाँ तक 20 है और ये दो आधे आधे वृत्त हैं
और वृत्त की त्रिज्या जो है वो वृत्त का व्यास जो 7 है, तो इधर 3.5 और ये 3.5 7 निकल जाएगा, तो 20 में से 7 निकल जाएगा तो 13 इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी वही है जो 7 है, तो 13 से 91 ये हो जाएगा। और बाकी जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे हम, पाई आर स्क्वायर से, आधा वृत्त इधर आधा वृत्त इधर, तो पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और पाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 22/7, और आर स्क्वायर के स्थान पर इस ये पूरा 7 है यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या क्या रहेगी 7/2 पाई आर स्क्वायर, तो ये 7/2। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 11 और ये 2 से इसको काट देंगे 3.5 और ये हो जाएगा 11/33 और 11/5 38.5। वैसे पहले हमारा 91 आ चुका था, इनको जोड़ लेंगे तो 8 और 1 9 और 9 3 12 129.5 आएगा। और 129.5 किसमें दिया गया है, बी वाले आंसर में दिया गया है, सी वाले आंसर में दिया, सी सही रहेगा। उसके बाद में किस प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या m ग्रेटर देन 1 के लिए पाइथागोरस त्रिक निम्नलिखित में से किस का रूप है, तो सरल सा प्रश्न है ये, ए वाला रहेगा। अब m ग्रेटर देन 1 के लिए किसी वैल्यू को देखेंगे तो आपको ये उत्तर ए उसमें पूरी तरह फिट होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई को एक घंटे में कितनी दूरी तय करनी करती है, तो इसके लिए सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, कुल मिलाकर परिधि पूछी 2πr घड़ी की, तो पाई कितना है 22/7 और आर जो है वो घड़ी की सुई जो है वो कितनी है 15, तो इसको हमें सॉल्व करना है। बस इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर रहेगा। तो इसके लिए हम सीधे आपको बताते हैं इसका राइट आंसर है 94.2 सेंटीमीटर। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हिमकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है, इस प्रक्रिया में शुरू करने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा, तो भाई एक घंटे में कितना गिरता है 5, तापमान घटता है तो 10 घंटे में कितना घट जाएगा 50, वर्तमान में टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, 50 घटा देंगे तो हमारे पास -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, तो राइट आंसर कौन सा है, डी वाला है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है तो सत्य है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को पर लंब होते हैं, ये बात सत्य है, हमारा आंसर ये नहीं है, हमें वो दिखाना जो सत्य नहीं है। और उसके बाद में आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ये बात सत्य है। अब हमें दिखाना है अगला बच्चा, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन ये गलत है, ये गलत है, इसलिए ये बात सत्य नहीं है, और जो सत्य नहीं है वही हमारा आंसर है, ये राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, इसमें सी वाला होगा। 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3 से 1/3 का मतलब होता है 10/3 और 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 3/10 और 3/10 इसमें आपको देखिए कौन सा 3/10 दिया है, तो आप देखेंगे 3/10 डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन 3/10 का मतलब होता है 0.3, ये राइट आंसर कौन सा है, सी वाला है। अगले क्रम में चलते हैं, अगले क्रम में हमारे पास 11 प्रश्न इस तरह से है, इसको भी हम सोल्व करेंगे, a+b+c=0 और इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती 3। इसके लिए आपको a=3 मान लीजिए, b=2 मान लीजिए और c क्या मान लीजिए -5 मान लीजिए, क्योंकि आपको ए बी सी का जोड़ कितना दिखाना है 0 दिखाना है, तो आप इस तरह से मान मान लीजिए और इसको हल करेंगे तो आपको राइट आंसर कौन सा जाएगा 3 आ जाएगा। इसके अलावा ए बी सी के ऐसे कुछ भी मान आप ले सकते हैं जिनसे उनका योग 0 हो जाए, उन मानों के द्वारा इसमें वैल्यू पुट करके आप हल करेंगे तो डेफिनेटली आपको सी वाला आंसर प्राप्त होगा। इसके बाद चलते हैं रैखिक समीकरण, यहाँ पर आपको एक रैखिक समीकरण दिया है और इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसके कितने हल होंगे, तो भाई इसमें तो x के
डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है तो वाई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू प्राप्त होती जाएगी, इसलिए इसके ए के परिमित अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका सी आंसर सही रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नीचे आकृति में ये इस तरह से वैल्यूज दी गई है, तो कोण पी क्यू आर का मान कितना रहेगा। तो देखिए, हमें ओ पी और आर एस इस तरह से कह रहे हैं, ये पैरेलल है, तो भाई इसको हम ओ पी और आर एस को आगे बढ़ा दें इस तरह से, और इसको आगे बढ़ा दें, तो ये दोनों पैरेलल है, ये और ये, तो जितना कोण यहाँ बन रहा उतना ही कोण यहाँ बनेगा, तो यहाँ भी 110 का बनेगा, तो 110 का बनेगा, तो यहाँ कितना बनेगा 70 का, और 130 का, तो इधर कितना बनेगा ये 50 का, और 70 और 50 120 हो गए, तो ये कोण कितना होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों 180 होता है, तो 120 हो गया, तो ये कोण 60 का होना चाहिए, ये राइट आंसर क्या रहेगा 60 रहेगा। और उसके बाद में त्रिभुज एबीसी में बीसी और एबी बराबर है, चलो मैं बना देता हूँ ये इस तरह से, ए बी सी, बी सी और ए बी बराबर है, जब बराबर तो ये कोण भी क्या रहेंगे बराबर, और कोण भी कितना है 50 है, तो ये दोनों कोण कितने कितने के, ये 50 है, तो ये दोनों कोण तीनों कोण मिलकर 180 होता है, तो 180 में से 50 हटा लिए तो 130 बचे, अब 130 से दोनों 65-65 के होना चाहिए, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा 65 रहेगा। इसी के बाद में अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्न आकृति में यदि ओ ए ओ बी वृत्त का व्यास है और ए सी और बी सी बराबर, तो सी ए बी कितना रहेगा। तो ये थोड़ा चित्रकला बना हुआ है, ये सीधा यहाँ है और ये यहाँ है, और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए समकोण होना मतलब 90 डिग्री कोण होना, तो सी ए बी जो कोण है, अच्छा सी ए बी पूछा गया हमसे, सी ए बी पूछा गया है, तो ए सी बी 90 है, तो ये 90 है, तो ये बाकी बचे 45-45 के, कितने के रहेंगे 45-45 रहेंगे, तो जब ये 90 हो गया है तो बाकी दोनों कोण क्या रहेंगे बराबर, क्योंकि ये दोनों चीज़ क्या है बराबर है, तो ये 45 डिग्री का राइट आंसर रहेगा। और उसके बाद चलते हैं, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना रहेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² = 96, इसको काट देंगे 16 बार, a बराबर कितना आएगा 4, और ये a बराबर 4 आया तो घन का आयतन होता है a क्यूब, तो 4 का क्यूब यानी 64, तो राइट आंसर क्या रहेगा 64। वर्ग 150 और 170 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह के बीच की मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू होती है 160, इसलिए राइट आंसर 160 रहेगा। उसके बाद में एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट टेस्ट परीक्षा में प्राप्त किए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है, इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में, इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि एक यूनिट परीक्षा में विद्यार्थी 70 से अधिक अंक प्राप्त करता हो। तो 70 से अंक अधिक कहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, कितने, 5 जो टेस्ट है उनमें से 3 में वो 70 से अधिक लाया है, 3/5 इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में यदि n एक प्राकृत संख्या है, तब दो वर्ग संख्याओं n² और n+1² के बीच कितनी पूर्ण संख्या होगी, तो 2n होगी। आप इस प्रश्न को हल करने के लिए n बराबर कोई भी सभी नंबर ले सकते हैं, जैसे n बराबर हमने क्या लिया, n बराबर 1 लिया, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया 1, और n+1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n मीन्स 1, 1+1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 और 4 के बीच में कितनी संख्या आ रही, 1 और 4 के बीच में 3, 2 और 3 आ रही, कितनी संख्या आ रही, 2 आ रही है, वो 2 इस 1 की दुगनी है, तो ये 2, आप चाहें तो n बराबर 2 लेते, 2 लेते तो ये कितना था 4, 2 और 1 3, 3 का वर्ग कितना 9, अब 4 और 9 के बीच में संख्या देखिए, 4, 9, 5, 6, 7 और 8, ये कितनी संख्या आई, 4 आई, ये 4 किसकी दुगनी है, जो आपने n बराबर 2 लिया था उसकी दुगनी है, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 2n होगा। a+b+c = 0, तो a³ + b³ + c किसके बराबर है, इसमें आप ए बी सी के मान लेके कर सकते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले एक सवाल बताया था, तो इसका राइट आंसर 3abc होगा। इसी तरह से
ये पार्ट बी है। जो पार्ट बी आ रहा है वो क्लास टेंथ पर आधारित है। तो यहाँ पे पार्ट बी में आप देखिए, यहाँ पर एक संख्या दी गई है, बी एक संख्या दी गई है और एक्स और वाई का अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ के लिए इन दोनों में जो अधिक से अधिक कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में एक से है तो एक से तो आ ही आएगा, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कितना आ रहा है अधिक से अधिक, दोनों में कॉमन एक आ रहा है। और यदि वाई की बात करें, दोनों वाई भी है तो वाई भी आएगा, लेकिन वाई की अधिक से अधिक कितना कॉमन आ रहा है, दोनों में अधिक से अधिक दो बार वाई कॉमन आ रहा है, क्योंकि वाई घात दो इसमें है पर इसमें वाई घात दो है लेकिन वाई घात तीन इसके अंदर नहीं है। इसलिए जो बड़ी पावर से तात्पर्य जो अधिकतम कॉमन वाली पावर, तो वो एक्स वाई स्क्वायर आएगा। अब एक्स वाई स्क्वायर कौन सा आंसर है, बी वाला आंसर है। इसके बाद में परिमेय संख्या, ये जो है का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो भैया तैंतीस बटे में ये दो की घात चार, दो की घात दो मतलब चार, चार अपने बीस, यदि इसको हम दोनों को अंश और हर को पाँच से गुणा कर दें तो हमारे पास 165 बटे 100 आ जाता है, जिसमें राइट आंसर इसका 1.65, यानी पॉइंट के बाद दो अंक रहेंगे, तो दो दशमलव स्थान तक आंसर रहेगा। राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी वाला रहेगा। इसके बाद में यदि द्विघात समीकरण के शून्य बराबर हो, तो शून्य बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी। अब यहाँ पे चारों आंसर पढ़े आप, तो उसमें क्या लिखा है, ये कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है क्योंकि इसका चिन्ह तो हमेशा धनात्मक आएगा, बी स्क्वायर है, ये वाला पद जो स्क्वायर में है, स्क्वायर वाला पद हमेशा धनात्मक होता है। अब ये धनात्मक हो गया तो अब ये धनात्मक कब होगा, या तो दोनों ए और सी के चिन्ह किसे हो, माइनस माइनस के हो, या फिर दोनों क्या हो, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस इंटू भी क्या होता है, प्लस होता है। तो ए और सी के चिन्ह कैसे होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, सी वाला है। इसके बाद में अगला आ रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 27 जोड़ें तो इस संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो देखिए भाई, ऐसे प्रश्नों को चेक करने के लिए सीधे आप आंसर से करेंगे, मैं सीधे बता देता हूँ इसका राइट आंसर 36 है। अब देखिए 36, इसमें हम 27 जोड़ दें तो ये बन जाता है 63, और देखो 3 6 का 6 3 हो गया ये, तो अंक पलट जाते हैं। तो ये किस में फिट हो रहा है, ये जो बात कही जा रही है इस आंसर को फॉलो करती है, ये राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक समीकरण है और एक समीकरण है, ये दो रेखाओं को व्यक्त करती है, तो के का मान क्या होगा, और दो कैसी परस्पर समांतर, तो समांतर रेखाओं में ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू, आपने टेंथ क्लास पढ़ा है, तो ए वन कितना 3 बटे में ए टू कितना 2 बराबर बी वन बटे बी टू 3/5, सॉरी ये ऊपर हो जाएगा, यहाँ गलत लिख दिया, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू, तो बी वन कितना हमारा 2k बटे में बी टू के ने कितना 5, ये बराबर होना चाहिए। इसको सोल्व करेंगे तो ये इस पूरे को सोल्व करेंगे हम, तो ये k बराबर 15/4 आएगा, 5 इधर चलाएगा, 5 15 और 2 नीचे जाएगा 4, तो ये k बराबर 15/4 सही होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, तो जिसमें x बराबर 2 रखने पर हल हो जाता है, इस समीकरण संतुष्ट हो जाती है, वो आंसर सही रहेगा। तो जरा देखिए आप, एक्स बराबर 2 इस वाले आंसर रखिए, 0 आ जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे इसमें तो ये कितना 2 का वर्ग 4, 4 दुनी 8, 8 और 6 14, और ये 7 दुनी 14, इसलिए ये राइट आंसर इसका क्या रहेगा, ये रहेगा। और उसके बाद में समीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है, चार बातें दी गई, कौन सी बात सत्य है, तो देखिए भाई इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम खोलें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक बार प्लस एक्स बराबर 0 और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये यहाँ पर क्या है माइनस एक्स बराबर 0। इसको यदि हल करें और इसको हल करें तो दो मोल इसके आएंगे, दो मोल इसके आएंगे, और दोनों कैसे अधिकल्पित आएंगे, मतलब वास्तविक नहीं आएंगे, तो इसके कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। उसके बाद चलते हैं, उस एपी का अंतर क्या होगा
जिसके लिए ये दिया गया है। तो ए 18 का मतलब होता है ए प्लस 17D माइनस ए 14 का मतलब होता है ए प्लस 13D बराबर 32। इसको यदि सोल्व करें हम तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4D बराबर 32, तो 4 8 32, तो D बराबर कितना जाएगा 8। तो राइट आंसर क्या रहेगा 8। इसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। ये जो क्वेश्चन है, ये समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, समरूप त्रिभुज की जो परिभाषा है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होती है, उससे हल करेंगे। तो दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये और एक मुख्य त्रिभुज ये। तो A1 पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा, तो पहले त्रिभुज भुजा 2 है और दूसरे जो मुख्य त्रिभुज है उसकी भुजा, ये वाली जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी 5। 2/5 और इसकी एक भुजा ये डी हो गई है और इसकी एक भुजा ये हो गई है और इसका मान हमें दिया गया 7.5। इसको सोल्व करेंगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 3। तो राइट आंसर कौन सा हुआ 3। वैसे आप इस प्रश्न को पूरा पढ़ना, और ये समरूपता पर आधारित प्रश्न है, थेल्स प्रमेय जो है उसके आधार पर इस प्रश्न को हमने सोल्व किया है। उसके बाद में यहाँ पर आता है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो हमें यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया, तो भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए इनका वर्गमूल निकालने, 4:9 का यदि वर्गमूल निकालें 4/9 का, तो वही कितना जाएगा 2/3 और 2/3 2:3। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। उसके बाद में यदि ए इस तरह से है, बी इस तरह से है, ओ इस तरह से और सी इस तरह से है और ये संरेख है, तो संरेख के लिए क्या होता है, जो त्रिभुज के तीन बिंदु यदि संरेख हैं तो उनसे कोई त्रिभुज नहीं बनता, उसका क्षेत्रफल क्या होता है 0। तो हम इसमें तीन बिंदु यदि संरेख है तो उनका क्षेत्रफल 0 होता है, तो उसका क्षेत्रफल 0 रख के इसको हल करेंगे तो हमें क्या जाएगा ए बराबर बी। सीधे सीधे बता दूं मैं आपको, एक फार्मूला होता है इस तरह से, यहाँ था 1 1 1 और यहाँ था x1 x2 और x3। तो x1 कितना 1, x2 कितना 0 और x3 कितना a। फिर y1 2 y2 0 और y3 b, इसको सोल्व करेंगे तो a बराबर b आ जाएगा। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वही कोस 60 की होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 और उसकी क्या होती है 1/2, लेकिन ये कैसा जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये अंदर गुणा हो ना तो ये माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। कोस 30 की जो वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू होती है, कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो यहाँ पर हम कह देंगे 0। साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी है, तो कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे हल करेंगे तो ये क्या 1 माइनस a² / b² तो ये सोल्व करेंगे तो b² - a² / b² को निकल आएगा तो b आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, b वाला हो जाएगा। इसके बाद में 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर है, तो उसका सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो भाई सीधी सी बात है, मैं इसको यहाँ इस तरह से कर देता हूँ, ये 6 मीटर ऊंचे खंभे की बात किया, ये 2√3 है, ये थीटा हमसे पूछा गया है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है 6 / कर्ण कितना है 2√3 है। इसको यदि कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 और 3/√3 ने √3 आ जाएगा, √3 कितना की वैल्यू होती है 10 60 की, तो 60 ले देंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच 130 डिग्री कोण है तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिए। इस तरह से है, ये हो गया। अब वृत्त की दो त्रिज्याएं, चलिए हम ले लेते हैं वृत्त की दो त्रिज्याएं इस तरह से, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, इन पर स्पर्श रेखा खींची जाती है ऐसे ऐसे और एक ऐसे ये। अब इनके बीच का कोण 130 डिग्री है, स्पर्श रेखाओं के बीच का, त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है, तो इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? तो भाई ये 90 होता है, ये 90 होता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों 360 होता है, तो 90 और 90 180 तो ये हो गया। अब ये और ये दोनों मिलके, ये दोनों आमने सामने मिलके 180 होना चाहिए, क्योंकि ये 130 है, तो ये कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? 50, ये वाला सही रहेगा। उसके बाद देखिए, यदि आर वन और आर टू त्रिज्या वाले, यहाँ त्रिज्या वाले लिखना था उसको, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग आर है, यदि आर वन और आर टू त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग त्रिज्या आर वाले वृत्त के बराबर हो तो कौन सी बात सत्य है? तो भाई चलो, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या रहेगा? ये इस तरह रहेगा, पाई आर वन का वर्ग। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या रहेगा? पाई आर टू का वर्ग। तो आर वन और आर टू त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल ये हो गए, और ये किसके बराबर है? तीसरे वृत्त के बराबर है, जिसकी त्रिज्या क्या है? आर है, उसके क्षेत्रफल के बराबर है। इनमें सब में पाई क्या जाएगा? इन दोनों में पाई कॉमन आएगा, और जो पाई कॉमन आया इससे कट जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हमारा? बी वाला प्राप्त हो जाएगा, तो बी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठोस के एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन क्या रहेगा? वही रहेगा, आयतन कभी नहीं बनता। यदि एक आकृति को से कोई भी ये शंकु है, इसको घन में बदलें या घन को शंकु में बदलें, एक आकृति को दूसरी एक आकृति में बदला जाता है, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं, 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन में से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो सबसे बड़ा शंकु है, उसका आयतन जो है, शंकु का आयतन 1/3 πr² h, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। पाई के स्थान पर साथ लिखेंगे, आर के स्थान पर इस त्रिज्या, ये त्रिज्या है किनारे वाले, तो इस त्रिज्या का हम यहाँ आधा कर लेंगे, 2.1 यहाँ लिखेंगे, और एच उसकी कितनी लिखेंगे? 4.2। ये 2.1 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, एच को लिखेंगे 4.2, और ये 1/3, और पाई लिखेंगे 22/7। अब इसको सोल्व जब करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 19.4 सेंटीमीटर वर्ग घन सेंटीमीटर। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देखिए भाई, घटना की प्रायिकता हमेशा एक से छोटी होती है, एक या एक से छोटी होती है हमेशा। घटना की प्रायिकता क्या? 0 से 1 के बीच में, न्यूनतम 0 हो सकती है, अधिकतम 1 हो सकती है, पर 1 से अधिक नहीं हो सकती। ये 1 से कम, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, 3% 3/100, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। उसने पूछा कौन सी नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि इसका आंसर हर से बड़ा है, और आंसर जब हर से बड़ा है तो ये 1 से बड़ी हो गई, और ये 1 से बड़ी हो गई, इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माप मध्यक और बहुलक में संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर पहले वाला ही है, ये राइट आंसर है। वैसे तो हमने इस वीडियो में आपको हल करके बताने की कोशिश की है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस प्रश्न का उत्तर क्या है और क्यों है, इसको हम विस्तार से आपको बता सकेंगे। फिलहाल समय के अभाव में हमने आपको प्रश्न को जल्दी से ऑब्जेक्टिव बेस के आधार पर सॉल्व किया है। आगे इस तरह के प्रश्न पत्रों को हम और सॉल्व करके आपको बताते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।